हेलो जी, नमस्कार, सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल माई राजा बेटाज एंड राजा बेटियां, आई होप यू ऑल मस्ट बी इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स. आई विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर. आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ. और मेरे बारे में कुछ चंद बातें लिखी हैं पीछे, आप जानते हैं, एक दूसरे की तारीफ के मोहताज नहीं हैं हम लोग. आई एम डॉक्टर सचिन कपूर, योर ओन बायोलॉजी टीचर विद नियरली 20 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. राइट जी, स्क्रीन पे नजर डालते हैं जी, कौन कौन है. अरविंद जी, अंश, डॉक्टर सौरभ, सुरभि, पुनीता, उमर फारूक, निकिता, निशा, अनुराग, अदिति, कोमल, ग्रेट ग्रेट वंडरफुल, डॉक्टर श्वेता, नंदिता, मेनती, हुमा खान, ग्रेट वंडरफुल. जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्दी से उन्हें आगे भेज दीजिए लिंक, और लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा. आपके लाइक्स मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं, एक बूस्ट की तरह काम करते हैं. राइट जी, जल्दी से 163 पीपल, मेक इट 500. ओके राजा बेटा, आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन ऑन मेमोरी. समय का अभाव था, वरना और ज्यादा बेहतरीन बातें आपको बताता. आने वाले समय में ऐसे ही बेहतरीन आपके साथ टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे. ओके चलिए जी, प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म जरूर एक्सप्लोर कर लीजिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बात बताने जा रहा हूं, प्लस की सब्सक्रिप्शन चार्जेस बढ़ने जा रहे हैं आज रात 12 बजे से पहले पहले. जो लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. द चार्जेस आर गोइंग टू इंक्रीज, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि निर्णय लेने में हमने समय लगा दिया. सही काम का निर्णय सही समय ले लीजिए. प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म कितना बेहतर है, आप में से मेजॉरिटी लोग जानते हैं जो मेरे साथ स्पेशल क्लासेस भी अटेंड करते हैं. राइट जी, चलिए, ग्रेट, बहुत मजा आया, बच्चे कह रहे हैं, दैट्स ग्रेट. मुझे खुद बहुत मजा आता है आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस लेने में. मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हम लेक्चर नंबर 3 आज डिस्कस करने जा रहे हैं. बेटा जी, टेलीग्राम का ये ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है. जब आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लें, ब्राउजर में जब आप ये लिंक टाइप करेंगे, tinyurl.com/neetlivechat, स्पेलिंग में मिस्टेक मत कीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी. प्लस के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताया कि आपने एक्सप्लोर करने हैं. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है, और उसमें प्लस के सेक्शन पे जाकर के आपने नीट एंड एम्स का सेक्शन जो है वो चुनना है. राइट जी, एंड देन यू हैव टू गो टू सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन. नीट लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा. हमारी टीम की तरफ से ये बेहतर तोहफा है आपके लिए कि आपको चार्जेस जो है वो पॉकेट फ्रेंडली रहेंगे, एनुअल सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं. ओके जी, चलिए, वार्म अप सेशन हो गया, और अब देखते हैं बच्चा लोग कौन कौन है जी हमारे साथ. ध्रुपद है, राहुल है, डॉली, दामिनी, प्रभाष, डिंपल, सूर्य, मेघा, राहुल, ग्रेट, मुस्कान, प्रभाष, दामिनी, राजेश, वेरी गुड इवनिंग जी, सबको प्यार भरा नमस्कार. देखते हैं क्या कोटेशन है मेरे पास आपके लिए. Your self is created by your memories, and your memories are created by your mental habits. आपका जो स्वयं का अस्तित्व है, योर सेल्फ, दैट्स क्रिएटेड बाय योर मेमोरीज. इंसान क्या है ओवरऑल देखें तो, वी हैव बंच ऑफ मेमोरीज, यादों का ही तो भंडार है हम, और है क्या, खुद सोच करके देख लीजिए. अगर हमारे पास सेंसेस नहीं है, ना हम देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना मान लीजिए टच का सेंसेशन है, ना स्मेल का है, ना टेस्ट का है, तो आपके दिमाग में कोई थॉट होगा क्या? कोई भी नहीं. आप ऐसा कोई थॉट अपने दिमाग में ला ही नहीं सकते जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपने अपने सराउंडिंग से गैदर नहीं करी. आप सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अपनी अलग अलग सेंसेस से, और उन्हीं विचारों का और यादों का भंडार हैं आप. So, बेहतर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए अपने सराउंडिंग से, और बेहतर आदतें रखिए. यही लिखा है यहां पे, योर सेल्फ इज क्रिएटेड बाय योर मेमोरीज, एंड योर मेमोरीज आर क्रिएटेड बाय योर मेंटल हैबिट्स. राइट, ठीक है जी, बढ़िया बात कही है मैंने. चलिए, इसी पे जबरदस्त से लाइक्स हो जाने चाहिए ताकि हम अपने सेशन की शुरुआत कर पाए. ग्रेट,
थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज करा है भी हमने आपके लिए. मैंने कहा ना, जो विजुअल मेमोरीज होती हैं, ब्रेन बड़े ब्रिलियंट से कलर्स को बड़े अच्छे से याद रखता है. जैसे मैंने मेमोरी के लेक्चर में ढेर सारे फूड्स दिखाए थे आपको, वो जो फोटो में आपने देखी है ना, वो याद रहेंगी आपको, देख लेना. चाहे वो शहद बनाना वाली थी, चाहे वो पिक्चर स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी से रिलेटेड थी, मशरूम्स थी, आलमंड्स थे, वो सब आपको याद रहेगा. वेल, नाउ वी हैव टू कॉन्टिन्यू विद आवर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. लास्ट लेक्चर में हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की शुरुआत करी थी, बट वी कुड नॉट कंप्लीट इट, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस कंसेप्ट ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन. जो लोग पीछे का लेक्चर नहीं देख पाए हैं किसी कारण से, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा, प्लेलिस्ट में जाइए. प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको पीछे के लेक्चर्स मूवमेंट एंड लोकोमोशन के मिल जाएंगे. वो लेक्चर्स भी आप जरूर देख लीजिए राजा बेटा. ओके जी, चलिए. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय हग्सले एंड हग्सले, इस थ्योरी का क्या कहना है? जैसा कि आप ये एनिमेशन देख पा रहे हैं, एक मसल फाइबर के अंदर मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स हैं. मायोसिन एंड एक्टिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, इसीलिए हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, या इसे वॉक अलोंग थ्योरी भी कहते हैं. लिखा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स बिकॉज मायोसिन हेड्स अटैच टू एंड वॉक अलोंग द थिन फिलामेंट्स एट बोथ हैंड्स ऑफ अ सार्कोमियर. मायोसिन क्रॉस ब्रिज अटैच हुआ, एक्टिन फिलामेंट को खींच रहा है. वॉक अलोंग कहा ना, इसीलिए सो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को वॉक अलोंग थ्योरी भी कहते हैं. राइट, इसके लिए पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझना जरूरी है. सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूं बेटा जी. इन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. देखते हैं, द जंक्शन बिटवीन अ नर्व फाइबर एंड अ मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरॉन जो मसल फाइबर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे रहा है, दैट इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन इस स्केलेटल मसल फाइबर पे जाके एंड करा, और ये रहे सिनेप्टिक एंड बल्ब्स. ये जो जंक्शन बन रहा है, दिस इज व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है. कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? आपको याद होगा बेटा जी, एसिटाइल कोलीन. एसिटाइल कोलीन न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक्सॉन एंडिंग से रिलीज हुआ. राइट, नाउ हमने देखा था किस तरह से मसल में एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होता है, किस तरह से एसिटाइल कोलीन रिलीज होगा. वी विल डिस्कस दैट. रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलीन टू इट्स द बाइंडिंग ऑफ द एसिटाइल कोलीन टू इट्स रिसेप्टर, जिसके कारण रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे. प्रोडक्शन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल, और उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ ACH एक्टिविटी. एसिटाइल कोलीन जब अपना काम कर लेता है तो जरूरी होता है कि उसकी एक्टिविटी को बंद कर दिया जाए. एसिटाइल कोलिनस्टीरेस एंजाइम ये काम करवाता है. अगर ऐसा नहीं होगा तो एसिटाइल कोलीन का असर लगातार बना रहेगा. देखते हैं जी, इधर रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलीन कैसे हुआ है, ये आप देखिए एनिमेशन. एसिटाइल कोलीन कैसे रिलीज हुआ, मान लीजिए ये हमारा एक्सॉन एंड बल्ब है, इसके अंदर ये वेसिकल्स हैं, वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर ACH भरा हुआ है. राइट जी, जैसे ही इंपल्स यहां पे पहुंचती है, हमने पढ़ा था वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं एंड देयर इज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम आयंस जो हैं, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को कहते हैं कि भाई तुम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाओ और एसिटाइल कोलीन रिलीज कर दो. वही बात लिखी है, अराइवल ऑफ नर्व इंपल्सिस एट साइनेप्टिक एंड बल्ब कॉजेज मेनी साइनेप्टिक वेसिकल्स टू अंडरगो एक्सोसाइटोसिस. राइट जी, क्लियर है इतना? लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी, थोड़ा सा एक रीकैप आपको उस चीज को दे रहा हूं. किशन पांडे आपने सही कहा, द वेसिकल्स फ्यूज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जेरी आपने भी सही लिखा है, बिल्कुल. एक्सोसाइटोसिस के जरिए वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. फिर क्या होता है बेटा, ये देखो यहां पे एनलार्ज्ड व्यू में दिखाया, ये वेसिकल जो है फ्यूज हुआ और यहां पे एसिटाइल कोलीन रिलीज हो रहा है. ये जो पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है यहां पे, दैट इज एसिटाइल कोलीन. और ये क्या है, दिस इज द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सार्कोलेमा की इनफोल्डिंग, टी टिब्यूल्स जिसे आप कह सकते हैं, ट्रांसवर्स टिब्यूल्स. आप देख पा रहे हैं एसिटाइल कोलीन के रिसेप्टर्स कहां पर लोकेटेड हैं,
ये रहा एसिटाइल कोलीन का रिसेप्टर। हर न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर के जरिए ही तो काम करेगा। एसिटाइल कोलीन जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो होता क्या है, द गेट्स फॉर द एंट्री ऑफ सोडियम आयन्स ओपन। आप ये देख पा रहे हैं Na पॉजिटिव लिखा है, सोडियम आयन्स। सो सोडियम आयन्स का इन्फ्लक्स हो गया, ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, राइट जी। सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ इस चैनल के थ्रू तो एक्शन पोटेंशियल जेनरेट हो जाएगा। एसिटाइल कोलीन इमीडिएटली तोड़ दिया जाता है, एंजाइम है एसिटाइल कोलिनस्टीरेज जो कि एसिटाइल कोलीन को ब्रेक कर देता है एसिटिक एसिड एंड कोलीन में। थोड़ा बहुत एसिटिक एसिड एंड कोलीन आसपास की ब्लड वेसल्स में चला जाता है एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड कोलीन एंटर्स बैक इनटू द एक्सॉन एंड बल्ब। फिर से उससे दोबारा से सिंथेसाइज हो जाता है एसिटाइल कोलीन, राइट जी। क्लियर है इतनी बात, है ना, ग्रेट, राइट। अभी तक क्या समझाया, इंपल्स आई, इंपल्स ने साइनेप्टिक वेसिकल से एक्सोसाइटोसिस करा के एसिटाइल कोलीन रिलीज करवाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेम द न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज रिलीज्ड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, योर आंसर विल बी एसिटाइल कोलीन। नेम द एंजाइम व्हिच ब्रेक्स डाउन एसिटाइल कोलीन, योर आंसर विल बी एसिटाइल कोलिनस्टीरेज। वेयर इज दिस एंजाइम प्रेजेंट, दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहां पे कोलेजन फाइबर्स हैं, क्लेफ्ट क्या है, जो स्पेस है इसके बीच में एक्सॉन एंड बल्ब के और मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की ये खाली जगह जो है, दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो दैट एंजाइम एसिटाइल कोलिनस्टीरेज इज प्रेजेंट इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट जी। वो अपना एसिटाइल कोलीन जो है अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करा, कौन से आयन्स की एंट्री हुई, सोडियम आयन्स की, राइट जी, और मसल के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल जेनरेट हो गया। क्लियर है जी इतना। आपने कहा ये एंजाइम कहाँ होता है, बेटा एंजाइम का ही तो बता रहा हूं, एक तो यहां पे कोलेजन फाइबर्स भी होंगे वहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में है, और ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, इस पर भी एसिटाइल कोलिनस्टीरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा भी हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा, आप ये एनिमेशन देख लीजिए, एसिटाइल कोलीन के रिसेप्टर्स के साथ एसिटाइल कोलीन बाइंड कर रहा है और उसके बाइंड करते ही सोडियम आयन्स की एंट्री हो जाएगी। वंस द चैनल इज ओपन, सोडियम आयन्स कैन फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्लियर है इतना। सो एसिटाइल कोलीन के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। नेक्स्ट ये वाला स्लाइड अब ध्यान से देखिए, दिस इज एक्शन पोटेंशियल, this action potential is opening the voltage gated calcium channels, there is entry of the calcium ions, calcium ions stimulate these synaptic vesicles to fuse with this membrane and release acetyl choline in this space, the space is synaptic cleft, acetyl choline will bind to its receptors, these are the receptors for acetyl choline. And you can see when it binds, it opens the gate for the entry of sodium ions. इस एनिमेशन के जरिए बहुत ब्यूटीफुली ये चीज आपको समझाई गई है। सो बताइए राजा बेटा, आप सबको क्लियर हुआ है ये। किशन पांडे थैंक यू सो मच, हर्ष शर्मा, दीपशिखा, स्वाति शाहू, डिम्पल, पुनीता, कनीज फतेमा, डॉक्टर सार्थक कह रहे हैं फंडा क्लियर है, सोनम कटियार, वेद व्यास जी वेद व्यास में देख रहा था तुम्हारा नाम नहीं आया अभी तक, ग्रेट जेरी, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। चलिए इसी एनिमेशन के नाम पे फिर जल्दी से, जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करा है जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, राइट। आगे बढ़े जी, प्रवीण, प्रोडक्शन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल, द मसल एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट्स अलोंग द सार्कोलेमा इन टू द टी ट्यूब्यूल सिस्टम। यहां पे टी ट्यूब्यूल दिखाने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए ये रहा सार्कोलेमा का इनफोल्डिंग, दैट इज टी ट्यूब्यूल, राइट, दिस इज टी ट्यूब्यूल, ओके। इधर हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाते हैं ऐसे, राइट, ऐसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरफ भी होगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स कैल्शियम आयन्स, ये हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया है, ओके बेटा जी। बीच में ये एक टी ट्यूब्यूल है,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन्स स्टोर्ड हैं. सो ये हमने दिखा दिए कैल्शियम आयन्स. कैल्सिक्वेस्ट्रिन प्रोटीन होता है जिसके साथ कैल्शियम आयन्स बाउंड रहते हैं. सो दीज आर दी कैल्शियम आयन्स. दिस इज टीटिब्यूल, राइट. एक टीटिब्यूल और उसके दाएं और बाएं, ये जो आपको दिख रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वन टीटिब्यूल अलोंग विद द टर्मिनल सिस्टर्ने. इस वाली चीज को कह देते हैं बेटा टर्मिनल सिस्टर्ना ऑफ एस आर, टर्मिनल सिस्टर्ना ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एक टी टिब्यूल है बीच में और उसके दाएं बाएं आपको टर्मिनल सिस्टर्ने दिख रहे हैं, और ये जो पूरी चीज मैंने ऐसे सर्कल बनाया है इसको कह देते हैं बेटा जी ट्रायड, टी आर आई ए डी, ट्रायड. यहां से एक्शन पोटेंशियल जो जेनरेट हुआ था वो नीचे आया. दिस एक्शन पोटेंशियल इज गोइंग टू कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन्स फ्रॉम दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ये बात ध्यान रखनी है. ट्रायड क्या होता है, समझ आया आपको? थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग द डायग्राम. पुनीता, वेद व्यास, डिम्पल, रत्ना, सोनम, सर्वेश, सौर्या, सोनिया, क्लियर है जी. सो एक टी टिब्यूल, उसके दाएं और बाएं टर्मिनल सिस्टर ने, टी टिब्यूल से एक्शन पोटेंशियल नीचे आ रहा है, और दिस एक्शन पोटेंशियल इज गोइंग टू कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन्स फ्रॉम द ट्रायड. ये कैल्शियम आयन्स अब क्या करेंगे, कैल्शियम आयन्स बाइंड करेंगे जाकर के ट्रोपोनिन प्रोटीन से. मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा खेल है क्या बेटा, एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है, मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है. मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस वॉन्ट टू बाइंड विद एक्टिन, लेकिन समस्या क्या है, एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन लिपटे हुए हैं, उन्होंने बाइंडिंग साइट्स को ब्लॉक करा है. वो तभी हटेंगे जब कैल्शियम रिलीज होगा. ठीक है, यहां तक क्लियर है? जल्दी से थम्स अप साइन भेजिए जिन लोगों को क्लियर है. डॉक्टर निमे, ईशा, अमित, सबीहा, रवि रंजन, पुनीता, सुनील, शेफाली, आकृति, सोनू, ईशाश्री, हाँ जी, रत्ना, क्लियर है जी, ग्रेट, राइट. एक्टिन मायोसिन का जिक्र अभी डिटेल में करते हैं. जिन लोगों को इतना समझ आ गया है अपने थम्स अप साइन मुझे भेजिए ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें. चलिए देखते हैं. एसिटाइल कोलीन की एक्टिविटी टर्मिनेट होती है, ये आपको पहले थ्योरेटिकली बता चुका हूं. कौन करता है, एसिटाइल कोलिनस्टीरेस एंजाइम. वेयर इज दिस एंजाइम प्रेजेंट, जैसा आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे. This enzyme is attached to collagen fibers in the extracellular matrix of the synaptic cleft. It is going to break it into acetic acid and choline. Acetylcholine ko enzyme ne tod diya. Main reaction bhi likh deta hun aapke liye. Ye raha ji acetylcholine, which is a neurotransmitter. Ye break ho raha hai acetic acid एंड कोलीन, और जो एंजाइम इसे कर रहा है दैट इज एसिटाइल कोलिनस्टीरेस. ओके, एसिटाइल कोलिनस्टीरेस दैट इज गोइंग टू ब्रेक इट इनटू एसिटिक एसिड एंड कोलीन. क्लियर है जी, राइट. चलिए एंजाइम का लोकेशन भी याद रखना है. ओके, नाउ यहां पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं. आपने इस बैक्टीरिया का नाम सुना होगा क्लॉस्ट्रीडियम बॉचुलाइनम. क्लॉस्ट्रीडियम बॉचुलाइनम जो है ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन बनाता है. दैट टॉक्सिन इज कॉल्ड बॉचुलिनम टॉक्सिन या BTX, राइट जी. बॉचुलिनम टॉक्सिन इज BTX. इट इज अ वेरी डेंजरस टॉक्सिन. ये बैक्टीरिया टिंड फूड जो होता है या कैंड फूड आइटम्स जो हैं उसमें फ्लरिश करता है, और ये फूड पॉइजनिंग करता है. देखते हैं, दिस बॉचुलिनम टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम बॉचुलिनम. और ये करता क्या है टॉक्सिन, दिस टॉक्सिन ब्लॉक्स एक्सोसाइटोसिस ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ये एसिटाइल कोलीन को रिलीज नहीं होने देता ये टॉक्सिन. एज अ रिजल्ट एसिटाइल कोलीन इज नॉट रिलीज्ड. अगर वो रिलीज नहीं होगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. ये टॉक्सिन यदि हमारे शरीर में चला जाए तो इंसान मर सकता है.
क्यों? क्योंकि BTX जो है बॉचुलिनम टॉक्सिन एसिटाइल कोलीन रिलीज नहीं होने देगा. एसिटाइल कोलीन रिलीज नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, तो इंसान अपने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा. और डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ब्रीदिंग वहीं स्टॉप हो जाएगी. सोचने वाली बात है ना. डायफ्राम इज ऑल्सो अ स्केलेटल मसल. डायफ्राम के कारण ही आप सांस ले पा रहे हैं, डायफ्राम अप डाउन मूव कर रहा है, सो ब्रीदिंग रुक जाएगी. दिस बैक्टीरिया प्रोलिफरेट्स इन improperly canned foods and the toxin is one of the most lethal chemicals known. इसको बायो वॉर में या बायो टेररिज्म में भी यूज किया जाता है, लेकिन इसके कुछ बेहतर फायदे भी हैं. इस BTX का इस्तेमाल मेडिसिन में भी किया जाता है, वो अभी आपको दिखाता हूं. अ टाइनी अमाउंट, इस टॉक्सिन का बहुत छोटा अमाउंट कैन कॉज डेथ बाय पैरालाइजिंग द स्केलेटल मसल्स. Breathing stops due to paralysis of the respiratory muscles, including the diaphragm, intercostal muscles, diaphragm stop ho jayenge kaam karna, insaan saans nahi le payega, right? It is also the first bacterial toxin to be used as a medicine. Agar ye question poocha jaye, which is the first bacterial toxin which is used as a medicine, that is Botox. बोटॉक्स ट्रीटमेंट आप में से शायद कुछ लोगों ने सुना हो, जैसे बढ़ती उम्र के साथ, एजिंग के साथ फेस पे, नेक पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें हटाने के लिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं, राइट, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में बोटॉक्स इंजेक्शंस लेते हैं लोग. शायद आपने कभी सुना हो या देखा हो, चेहरे के मसल्स में हम ये इंजेक्ट करते हैं BTX टॉक्सिन, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट होके मसल्स ने झुर्रियां बना दी हैं फेस पे वो रिलैक्स हो जाएं, राइट जी, क्लियर है? बोटॉक्स ट्रीटमेंट समझ आया जी आपको? साहिबा, हुमा, पूजा, सोनम, सिमरन, सर्वेश कह रहे हैं हां जी सुना है. बोटॉक्स, तो वही आपको बताने जा रहा हूं कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्या होता है. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पीछे बोटॉक्स ट्रीटमेंट ही दिखाया जा रहा है, जिसमें बॉचुलिनम टॉक्सिन जो है वो हम इंजेक्ट कर रहे हैं फेस के मसल्स में, जिसके कारण जो है मसल्स रिलैक्स करेंगे और जो झुर्रियां पड़ी हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी. ये एक ही बार में नहीं हो जाता, बार बार ये ट्रीटमेंट, लेकिन अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट डॉक्टर तभी, अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, राइट जी, क्लियर है बेटा जी? आप कह रहे बहुत स्केरी लग रहा है. देख लीजिए लोग जवान बने रहने के लिए क्या क्या करते हैं, एजिंग को डिले करना चाहता है हर इंसान. देखिए, इंजेक्शंस ऑफ बोटॉक्स इनटू द अफेक्टेड मसल्स, इट कैन ऑल्सो हेल्प द पेशेंट्स हु हैव स्ट्रैबिस्मस, क्रॉस्ड आईज जो है, या ब्लेफरोस्पैज्म, जैसे आंखों का अनकंट्रोल्ड ब्लिंकिंग होता है, या वोकल कॉर्ड्स का स्पैज्म जो कि स्पीच के साथ इंटरफेयर कर रहा है, राइट जी. इसके अलावा जो मसल्स फेशियल रिंकल्स करते हैं, उन फेशियल रिंकल्स वाले मसल्स को भी हटाने के लिए, या क्रॉनिक रिंकल्स को हटाने के लिए, ये क्रॉनिक बैक पेन, पीठ का दर्द जो है बहुत ज़्यादा मसल्स की स्पैज्म के कारण, अकड़न के कारण, उसे रिलैक्स करने के लिए भी इस टॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में और बहुत ही सही तरीके से, बिकॉज अदरवाइज इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, राइट जी. सो इस तरह की कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स जो हैं वो एक्सपर्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट से ही करानी चाहिए. अब क्या दिखाया मैंने आपके सामने, एक और पॉइजन होता है क्यूरेर, राइट. देखिए इधर, इट्स अ प्लांट डेरिवेटिव क्यूरेर, a poison used by South American Indians on the arrows and blowgun darts, causes muscle paralysis by binding to and blocking the acetylcholine receptors. देखिए, acetylcholine कितना important neurotransmitter है, उसी से related हम information पढ़ रहे हैं. अगर कुछ ऐसे poisons या toxins हों जो acetylcholine के receptors को bind कर दें, तो muscles contract नहीं करेंगे और paralysis के कारण इंसान की डेथ हो जाती है. सो आप देख रहे हैं ये ब्लो डार्ट गन्स क्या होती हैं, आपने देखा होगा टीवी में, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में भी, राइट. फूक मारेंगे और वो जो डार्ट होते हैं उस पे जहर लगाया होता है, क्यूरेर पॉइजन, जिससे कि डेथ हो जाएगी जिस भी एनिमल को जाके लगा. इवन एक पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी होता है जो कि बहुत पॉइजनस है. पॉइजन डार्ट फ्रॉग जो है, इसका जहर इतना पॉइजनस है कि एक साथ वो सैकड़ों लोगों को मार सकता है, राइट जी. पॉइजन डार्ट फ्रॉग, राइट. आगे बढ़े,
ग्रेट, जिन लोगों ने लाइक नहीं करा है वीडियो अभी तक, फिर से रिमाइंड करा दूं, आपके प्यारे प्यारे लाइक्स हम लोगों के लिए एनर्जी का काम करते हैं, तो इसमें कंजूसी मत कीजिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम जिक्र कर रहे हैं कि कैल्शियम का क्या रोल था मसल कॉन्ट्रैक्शन में। हमने जाना कि जैसे ही कैल्शियम का कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल में इंक्रीज होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट है, और जब डिक्रीज होगा तो मसल स्टॉप है। सिंपल सी बात है। टीट ब्यूल के थ्रू एक्शन पोटेंशियल अंदर आया था। एक्शन पोटेंशियल ने कहां से कैल्शियम रिलीज करवाया? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होने के बाद दैट कैल्शियम इज गोइंग टू बाइंड विद द ट्रोपोनिन प्रोटीन। देखिए, जब वो चैनल्स खुले, कैल्शियम फ्लोज आउट ऑफ द एसआर इनटू द साइटोसोल अराउंड द थिक एंड द थिन फिलामेंट्स। मसल की कॉन्ट्रैक्शन की कहानी इतनी है बेटा कि ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस के साथ तब बाइंड करेंगी जब एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन नहीं है। राइट जी, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो मैं एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन दिखा रहा हूं आपको, ये हम थिन फिलामेंट बना रहे। जो मैंने ग्रीन कलर से अभी दिखाया है, दैट प्रोटीन इज व्हाट? इट इज ट्रोपोमायोसिन। एंड ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको यहां पे, ये जो ब्लू है फिलामेंट, राइट, दिस इज एक्टिन। ठीक है, और इसी में बीच बीच में ट्रोपोनिन दिखा देते, ये रहा ट्रोपोनिन जो एक ब्लैक डॉट की तरह दिखाया मैंने। इधर भी दिखा देते हैं जी ट्रोपोनिन, राइट। इस ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम ने बाइंड करना है, और तब ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन यहां से हट जाएंगे, और उस समय ये मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस उससे बाइंड करेंगे। मायोसिन क्रॉस ब्रिज जब बाइंड करेंगे, दैट इज गोइंग टू एक्टिवेट एन एंजाइम। यहीं पे क्रॉस ब्रिज के पास एंजाइम होता है, दैट इज मायोसिन एटीपीएस, व्हिच रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, अब कैल्शियम आ चुका है, कैल्शियम को किससे बाइंड करवाना है? ट्रोपोनिन प्रोटीन से। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपसे, व्हिच इज द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन अ मसल? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन अ स्केलेटल मसल फाइबर की बात हो रही है, इन अ मसल इज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा और यहां से ये बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन को फ्री कर देगा, क्योंकि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों की कॉन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। आप इस एनिमेशन में देखिए, ये जो पर्पल कलर से दिख रहे हैं यहां पे हमें, ये मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस हैं। वो जो ऊपर दिख रहा है वो एक्टिन है, राइट। ये मायोसिन क्रॉस ब्रिज एक्टिन को खींच के उधर ले जा रहे, ये था ट्रोपोनिन और ये आए कैल्शियम आयंस। ट्रोपोनिन और कैल्शियम जुड़ा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन खिसक गए, कहानी यही हो रही है, राइट जी। ये एक्टिन फिलामेंट थी, फिर से रिपीट करता हूं, यहां पे दिखाया गया कि मायोसिन क्रॉस ब्रिज ने इसको खींच के इधर कर दिया। फिर से स्टेप वन, दीज आर द कैल्शियम आयंस, दे बाइंड टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन दे चेंज देयर कॉन्फर्मेशन, द बाइंडिंग साइट्स ऑफ द एक्टिन विल बिकम फ्री, मायोसिन क्रॉस ब्रिज विल बाइंड टू एक्टिन, इट विल पुल द एक्टिन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, राइट। क्लियर है, इस एनिमेशन के जरिए आपको ट्रोपोनिन का रोल समझ आया? मैं स्क्रीन पर नजर डालता हूं, आपका क्या रिस्पॉन्स है आप बताइए मुझे। रत्ना वर्मा, ट्रोपोनिन, ओके जी। सिमरन ने लिखा है ट्रोपोनिन। वेद व्यास जी, एनिमेशन पसंद आया आपको, ओके ग्रेट। श्रेया मिश्रा, आपने ठीक लिखा है, कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन। क्लियर है जी, बाकी सब लोगों को चैट पे आप मुझे जवाब दे सकते हैं, ओके। पुनीता कह रही है ऑसम, थैंक यू सो मच जी, राइट। राजेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। शिवन ने ठीक कहा, दैट इट इज गोइंग टू एक्सपोज द बाइंडिंग साइट्स। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कैल्शियम जब ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, यहां पे लिखा है ना, द रिलीज्ड कैल्शियम आयंस कंबाइन विद ट्रोपोनिन, सो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इज ट्रोपोनिन, causing it to change the shape, troponin की shape बदलती है, this conformational change moves tropomyosin away from the myosin binding sites,
ट्रोपोनिन में बदलाव आया तो साथ के साथ ट्रोपोमायोसिन में भी आएगा। ट्रोपोनिन कहेगा ट्रोपोमायोसिन भैया तुम भी मेरे साथ यहां से हट जाओ, खिसक जाओ, एक्टिन को फ्री कर दो, एक्टिन को मायोसिन क्रॉस ब्रिज से बाइंड करने दो। जैसे ही मायोसिन क्रॉस ब्रिज बाइंड करेगा, मायोसिन के हेड रीजन पे प्रेजेंट एंजाइम मायोसिन एटीपीएस एक्टिवेट हो जाएगा। उसके एक्टिवेट होते ही वो एटीपी को स्प्लिट कर देगा एडीपी में। एटीपी आ गया तो एनर्जी, मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस एनर्जाइज हो गए और एनर्जाइज होने के बाद वो एक्टिन फिलामेंट्स को खींच लेंगे। यही तो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, राइट जी? नाउ ये लिखा है ट्रोपोनिन देन मूव्स ट्रोपोमायोसिन अवे फ्रॉम द बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन। वंस द बाइंडिंग साइट्स आर फ्री द कॉन्ट्रैक्शन साइकिल बिगिंस। जब बाइंडिंग वाली साइट्स फ्री हो गई तो अब कॉन्ट्रैक्शन साइकिल शुरू हो जाएगा। सो हम देखते हैं उस कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, पहला स्टेप है अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू द एक्टिन टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। दूसरा स्टेप है एटीपी हाइड्रोलिसिस। एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज मसल रिलैक्सेशन। नेक्स्ट इज द पावर स्ट्रोक एंड नेक्स्ट इज डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन। एक बार मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस बन गए तो उन्हें हटाना भी तो जरूरी है। वो लगातार बने रहेंगे मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस, जब एक्टिन के साथ जुड़ जाएंगे तो मसल प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है दैट एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज मसल रिलैक्सेशन। डेथ के बाद लाश क्यों अकड़ जाती है, राइगर मॉर्टिस जो होता है वो इसी कारण तो होता है कि क्रॉस ब्रिजेस बन तो गए लेकिन उन्हें डिटैच होने के लिए एटीपी प्रेजेंट नहीं है, राइट? राइगर मॉर्टिस आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखते हैं अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। मायोसिन का जो हेड रीजन है दैट अटैचेस टू मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, मान लीजिए ये रहा एक्टिन। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को अब हमने यहां से हटा दिया, तो मैं ये ले रहा हूं मायोसिन क्रॉस ब्रिज और मैंने दिखा दिया दैट द मायोसिन क्रॉस ब्रिज इज अटैच्ड विद द एक्टिन। मायोसिन क्रॉस ब्रिज इज अटैच्ड विद एक्टिन, राइट जी? ये क्रॉस ब्रिज अटैच हो गया है और अब क्या होता है, दिस अटैचमेंट एक्टिवेट्स मायोसिन एटीपीएस एंजाइम। यहीं पे मायोसिन क्रॉस ब्रिज के हेड रीजन पर एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है मायोसिन एटीपीएस एंजाइम एंड दिस एंजाइम रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयंस फॉर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया। मायोसिन एटीपीएस एंजाइम क्या करता है, इट स्प्लिट्स एटीपी इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मायोसिन एटीपीएस एंजाइम ने एटीपी को तोड़ के एनर्जी बना दी, तो मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस एनर्जाइज हो गए। अब हम दिखा देते हैं एक तरीके से, अगर मैंने दिखाना हो कि ये मायोसिन क्रॉस ब्रिज एनर्जाइज्ड है, सो इस तरह से मैं सिंबलाइज करके दिखा रहा हूं कि एटीपी के टूटने से एनर्जाइज्ड क्रॉस ब्रिजेस बन गए हैं। दीज आर एनर्जाइज्ड क्रॉस ब्रिजेस, राइट? ओके, व्हेन द मायोसिन हेड अटैच टू एक्टिन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, उस समय पे आप उन्हें क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं। इतना पॉइंट भी समझ आ गया जी आपको? कैल्शियम आयंस रिलीज हुए, कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करे, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन खिसक गए वहां से, मायोसिन का क्रॉस ब्रिज बाइंड करा एक्टिन से, बाइंड होने से एंजाइम एक्टिवेट हुआ मायोसिन एटीपीएस विच स्प्लिट्स द एटीपी इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट, राइट जी? व्हाई द एंजाइम इज एक्टिवेटेड, द बाइंडिंग इज गोइंग टू एक्टिवेट द एंजाइम, सो दैट स्प्लिट्स द एटीपी इनटू एडीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसने मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस को एनर्जाइज कर दिया, क्लियर है जी? नाउ एटीपी हाइड्रोलिसिस जो मैंने पिछले स्टेप पे दिखाया है वही यहां लिखा है द मायोसिन हेड इंक्लूड्स एटीपी डिपेंडेंट
this enzyme, ATP binding site and the ATPase enzyme, myosin ATPase, jise kaha humne, that is going to hydrolyze or break down ATP into ADP. ADP is adenosine diphosphate aur uske saath inorganic phosphate. This hydrolysis reaction reorients and energizes the myosin head. Is hydrolysis reaction ne myosin ke head ko energize kar diya. Right ji? Niche animation mein bhi dikhaya hua hai. Ye ADP and inorganic phosphate. Ye raha ji myosin ka cross bridge aur ye rahi binding. Aur usne use aage tak khiska diya. Next. आप इस स्लाइड में भी ध्यान से देख लीजिए यहां पे एनलार्ज्ड व्यू में मायोसिन को दिखाया गया है बेटा ये रही एक थिक फिलामेंट यानी मायोसिन फिलामेंट आप देख सकते हैं उसमें ये मायोसिन के हेड रीजन कैसे बीच-बीच में से निकल रहे हैं पॉइंट कर रहे हैं फिर हमने एक मायोसिन को यहां पे एनलार्ज करके दिखाया मायोसिन के अंदर हैवी चेन्स होती हैं आप देख रहे हैं द हैवी चेन्स आर कॉइल्ड लाइक डीएनए हेलिक्स वन एंड ऑफ ईच हैवी चेन इज ट्विस्टेड टू फॉर्म द ग्लोब्यूलर हेड ये मायोसिन का हेड रीजन कहलाता है उस हेड रीजन में देयर इज एक्टिन बाइंडिंग साइट देयर इज एटीपी बाइंडिंग साइट वहां पे लाइट चेन्स भी प्रेजेंट हैं The head region has light chains also. Right, ji? Aur ye puri cheez kehlati hai cross bridge. And this complete thing is thick filament. So, thick filament consists of myosin protein. Ek myosin ko bahar nikal ke bhi enlarge karke aapko dikha diya. Deepak ji, Jerry, Nikita... जेरी कह रहे हैं जी मजा आ गया दैट्स ग्रेट एटीपीएस शो कर दीजिए बेटा लिखा तो है जैसे ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट ये एटीपी बाइंडिंग साइट यहीं पे मायोसिन एटीपीएस एंजाइम भी है एंजाइम्स क्या है प्रोटीन्स ही तो हैं अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही तो है क्लियर है भारत जी कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर डॉली वंडरफुल ग्रेट चलिए मजा आ रहा है राजा राम जी That's great. पढ़ाई वही जिसमें मजा आए थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे मेमोरी के लेक्चर में चीजों को समझिए अंडरस्टैंड कीजिए तो आपको उन्हें लर्न करने में मुश्किल नहीं होगी अगर ऐसा होगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन पैसिवली दिमाग में जा रही है बस एक तरह से फ्लो हो रहा है आप सुन रहे हैं देख रहे हैं पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है तो उसका फायदा नहीं है चीजें समझ आनी चाहिए जब आपको समझ आ गई एक बार तो दोबारा विदिन फ्यू आवर्स जो है आप उसे रिवाइज कर लीजिए ये वाला लेक्चर जो है रात को सोने से पहले एक बार और देख लीजिए एक बार और देख के एक कमेंट भी करिए उस पे कमेंट करेंगे तो आपको और ज्यादा याद रखा कि सर के मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में हमने कमेंट करा था और सर ने जवाब भी दिया था मेमोरी को इसी तरह से एनहेंस करते हैं बातों को रिलेट करते जाइए चीजों से गॉट इट जी क्लियर है ग्रेट आगे बढ़ते हैं राजा बेटा अब यहां पे इस डायग्राम में पूरा साइकिल जो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल है वो एक ही फ्लो चार्ट में आपको दिखाया गया है यहां से शुरू कर लेते हैं द मायोसिन हेड हाइड्रोलाइजेस एटीपी एंड दे आर बिकमिंग एनर्जाइज्ड सो मायोसिन इसके साथ अटैच हुआ है मायोसिन इसे आगे खींच के लेके गया ये रहा और उसके बाद यहां पे डिटैचमेंट दिखाया गया है डिटैचमेंट के लिए फिर से ATP चाहिए होता है जब ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा इस स्लाइड को आप खुद तसल्ली से आराम से बैठ के देख सकते हैं आप इसका PDF आपको मिल ही जाएगा तो आराम से पढ़िएगा जितनी बातें मैंने अभी तक बोली हैं वो एक ही साइक्लिकल वे में आपको दिखाई गई हैं मायोसिन क्रॉस ब्रिज बाइंड करा एक्टिन को आगे खींचा मायोसिन डिटैच हुआ वापस अपनी पोजीशन में आया एक्टिन पीछे चला गया बार बार ये कॉन्ट्रैक्शन साइकिल रिपीट होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहता है ठीक है बेटा जी चलिए नेक्स्ट में चलते हैं इधर देखिए जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये आपको एक सार्कोमियर दिखाया गया है यहाँ पे ये मायोफाइब्रिल्स हैं आप जानते हैं अ मसल फाइबर हैज मेनी मायोफाइब्रिल्स मायोफाइब्रिल्स कंटेन मायोफिलामेंट्स मायोफिलामेंट्स दो तरह की हैं मायोसिन फिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन एक्टिन मिलकर के ही ये सार्कोमियर बना रहे हैं ना सो आप देख रहे हैं जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सार्कोमियर्स शॉर्टन द जेड लाइंस कम क्लोजर सार्कोमियर शॉर्ट हो रहे हैं जेड लाइंस पास पास आ जाती हैं राइट जी क्लियर है इस एनिमेशन से थ्री डायमेंशनल वे में जब आप चीजों को देखते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है कि एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर
बहुत सारे मसल फाइबर्स के अंदर, बहुत सारी मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स के अंदर दो तरह की फिलामेंट, दैट इज मायोफिलामेंट्स, मायोसिन एंड एक्टिन, राइट जी. डॉली कह रही है दिमाग के कपाट खोल गए, दैट्स वंडरफुल. वो कपाट खोल के अब फिर बंद भी कर लेना, कहीं फिर दोबारा से इंफॉर्मेशन बाहर ना निकल जाए. ग्रेट जी. चलिए एक और ब्यूटीफुल सा आपके लिए डायग्राम है, आपको पसंद आता है हमेशा. सो यहां मैंने एक मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल, एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल के जूम करके दिखाया गया, उसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आ रहे हैं, जेड लाइन आप देख पा रहे हैं, जिग जैग लाइन, जेड डिस्क भी कहते हैं, डॉबीज डॉट भी कहते हैं, डिस्टेंस और द एरिया बिटवीन टू जेड लाइंस इज सार्कोमियर, यू कैन सी द सार्कोमियर. और यहां पे अलग से मायोसिन एक्टिन को फिर से इसमें से एनलार्ज करके दिखा दिया गया, उसके नीचे और ज्यादा एनलार्ज करके दिखा दिया गया. इसके बियॉन्ड और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं हो सकती चीजें, हम एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे चले गए हैं इस डायग्राम में. क्या वेरी गुड, आपके थम्स अप साइंस जो है ना वो मुझे एनर्जी देते हैं. लाइक्स भी बढ़ाओ जल्दी से, 500 लाइक्स का टारगेट रखा करो एक लेक्चर में. हाँ जी, रंगीला डायग्राम का है जेरी, बिल्कुल जैसे तुम्हारा नाम है ना, देखो उसी तरह का हमने डायग्राम बनाया है. देखा, अब मैंने डायग्राम को तुम्हारे नाम के साथ रिलेट करा तो तुम भूलोगे नहीं कभी भी कि सर ने मायोफाइब्रिल्स का वो मेरे नाम के साथ कंपेयर किया था. ग्रेट. बादल जी क्या नहीं समझ आया बताइए. हाँ जी बोलिए. आजम साहब आप आ गए हैं, मोस्ट वेलकम जी. क्या नहीं समझ आया बताइए. पावर स्ट्रोक का मतलब है कि जब क्रॉस ब्रिज अटैच हुआ और वो उसे आगे खींच के लेके गया, उसी चीज को पावर स्ट्रोक कह देते हैं बेटा, दैट इज व्हाट इज पावर स्ट्रोक. ग्रेट. नितिश कह रहे हैं अनबिलीवेबल, थैंक यू सो मच जी. अन एकेडमी पे ऐसी ही अनबिलीवेबल चीजें होती हैं. जो डायग्राम आपने इससे पहले देखा उसी से मिलता जुलता फिर है आपके सामने. ये रहा एक मायोफाइब्रिल, सिलेंड्रिकल वे में सोच के देखिए, अब इसे थ्री डायमेंशनल वे में मायोफाइब्रिल. द मायोफाइब्रिल हैज मायोफिलामेंट्स, ये रही नीचे मायोफिलामेंट्स. मायोफिलामेंट्स में आप सार्कोमियर भी देख पा रहे हैं, द एरिया बिटवीन टू जेड लाइंस, ये एक जेड लाइन जिसको जेड डिस्क कहा गया है, राइट. इसके बीच का ये पूरा एरिया सार्कोमियर है, ये बीच में एम लाइन है जिसे एच लाइन भी कहते हैं, यहां पर भी सार्कोमियर लेबल्ड है, दिस इज वन सार्कोमियर, राइट. ये जो डार्क कलर से हैं, दे आर द थिक फिलामेंट्स विच आर मेड अप ऑफ मायोसिन, जो आपको यहां पे ये ऑरेंज, ये वाला गोल्डन येलो सा कलर कह दीजिए, दैट इज थिक फिलामेंट. उसके नीचे भी देख लीजिएगा एच जोन क्या है, क्लियर है. सो दिस इज अनदर ब्यूटिफुल डायग्राम जिससे आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. डॉली कह रही है इस बार तो डायग्राम देख करके ही सब कुछ याद हो गया, वेरी गुड. डायग्राम देख करके ही चीजें याद होनी चाहिए, इसी में मजा है, ग्रेट जी. चलिए नाउ पावर स्ट्रोक वाला डायग्राम आप देख पा रहे हैं कि कहां से लिया गया है. ये एनसीईआरटी में से लिया है मैंने एज इट इज, देख लीजिए बेटा एनसीईआरटी का क्या कहना है. सेम वही चीज है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, क्रॉस ब्रिज बना मायोसिन हेड के साथ, राइट जी. नाउ स्लाइडिंग रोटेशन हुआ, ये एरो दिखाया गया ना ऐसे टेढ़ा, ओके. फिर ये रिलैक्स हो गया, रिलैक्स होने के लिए भी एटीपी चाहिए. प्लीज रिमेंबर एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन. क्रॉस ब्रिजेस को ज्वाइन करा के आगे बढ़ाना है तो भी एटीपी चाहिए, जब हटवाना है ना तब भी एटीपी चाहिए, लेकिन इस्तेमाल एक ही एटीपी होता है, बिकॉज जो एटीपी डिटैच करवा रहा है ना उसे, दैट एटीपी इज नॉट स्प्लिटिंग, इट इज ओनली कॉजिंग द डिटैचमेंट. जब ये क्रॉस ब्रिज अगले कॉन्ट्रेक्शन साइकिल के लिए तैयार होंगे तब वो एटीपी स्प्लिट होता है, ठीक है जी. एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन, बट ओवरऑल यूज एक ही एटीपी का हुआ है. यहां पे आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम भी आपके लिए एनसीईआरटी से ही लिया गया है. दिस इज वन जेड लाइन, दिस इज अनदर जेड लाइन, राइट, जिसको जी लाइन भी कहा है आपने. ये आपको एक सार्कोमियर दिख रहा है, दिस एरिया दैट इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये ज़िगज़ैग लाइन तक इतना, दिस इज व्हाट इज वन सार्कोमियर. So, एक सार्कोमियर दूसरा सार्कोमियर. सार्कोमियर के अंदर अगर हम बैंड्स की बात करें, देर इज वन कंप्लीट डार्क बैंड, दिस इज डार्क बैंड, यही वाला कह लो ए बैंड,
डार्क के स्पेलिंग में डी के बाद ए आता है ना, दैट इज डार्क बैंड. लाइट बैंड इज आई बैंड. लाइट के स्पेलिंग में एल के बाद आई आता है. आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रॉपिक एंड ए स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रॉपिक. ये उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पे होते हैं डार्क एंड लाइट बैंड्स जो हैं, राइट. जब एक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जेड लाइन्स पास पास आई हैं. आप खुद ही सोचिए बेटा, जब जेड लाइन्स पास पास आ गई हैं तो सार्कोमियर शॉर्टन, लेकिन ये जो है ए बैंड यहां से लेके यहां तक, ए बैंड छोटा नहीं होता. ए बैंड रिमेन्स एज इट इज. आई बैंड्स छोटे हो जाते हैं. इट्स द आई बैंड्स विच डिक्रीज. ए बैंड रिमेन्स एज इट इज. और जो बीच का एच जोन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर है जी? सो ध्यान रखना, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर आपसे पूछे, नंबर वन सार्कोमियर्स शॉर्टन, नंबर टू ए बैंड्स रिमेन एज इट इज, नंबर थ्री आई बैंड्स शॉर्टन, नंबर फोर एच जोन डिसअपियर्स. राइट जी? क्लियर है इतना? बोलिए, मजा आ गया जी? डॉक्टर सार्थक कह रहे हैं मजा आ गया. दैट्स ग्रेट, वंडरफुल. एडीपी एंड फॉस्फेट को एक बार फिर से दिखा दीजिए. यश कह रहे हैं, यश बेटा जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आप एक बार जो है उसे दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा. जब आप पहला रिवीजन जल्द से जल्द दे देते हैं किसी चीज को, तो आपके ब्रेन में, न्यूरॉन्स में सिनेप्सिस ज्यादा मजबूत बन जाते हैं. और मैंने एक और टेक्निक बताई थी, दैट वाज अबाउट प्रेसिंग दी पॉइंट्स ऑन योर फिंगर्स. तो जब आप लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप चैट नहीं कर रहे, आपके सामने लेक्चर टीवी पे या आपने जहां भी आईपैड पे लैपटॉप पे देखा है, सो कीप प्रेसिंग योर फिंगर्स ऑल्सो टू एनहेंस योर मेमोरी. दीज प्रेशर पॉइंट्स रिफ्लेक्सोलॉजी के सिद्धांत पे काम करते हैं. ये मेमोरी के लेक्चर में मैंने आज आपको बताया है. क्लियर है जी? राइट. गब्बर रचना, ये आपने काफी यूनिक आईडी रखी है. ग्रेट जी, वंडरफुल. आप अपना नाम रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, टीचर के साथ एक कनेक्शन बैठता है. थैंक यू दीपक, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, सो नाइस ऑफ यू. चलिए जी, सो मसल कॉन्ट्रैक्शन की कहानी आज हमने समझी है. डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम क्रॉस ब्रिजेस, मैंने कहा ना एटीपी चाहिए फॉर डिटैचमेंट ऑफ द मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस. सो एटीपी होगा तो क्रॉस ब्रिजेस डिटैच होंगे. फिर कैल्शियम आयंस जो है, जब इंपल्स आनी रुक जाएगी, जब एक बार न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ फिर इंपल्स आनी रुक जाती है, तो कैल्शियम को वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डालना जरूरी है. जब कैल्शियम आयंस वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डाल दिए जाएंगे, वहां से रिमूव कर दिए जाएंगे, तो ट्रोपोनिन फिर से अपनी जगह में चला जाएगा. मैं रिलैक्सेशन की बात बता रहा हूं आपको. मसल रिलैक्स कैसे करेगा? आफ्टर द लास्ट एक्शन पोटेंशियल हैज प्रोपेगेटेड थ्रू द टी ट्यूब्यूल, कैल्शियम रिलीज चैनल्स दे क्लोज. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आना बंद हो जाता है. जब कैल्शियम आना बंद हो गया तो ट्रोपोनिन कहेगा, भैया मैं वापस गया अपनी जगह पे, तुमने मेरे से कैल्शियम वापस ले लिया, अब मैं फिर से ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों मिल करके एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स को ब्लॉक कर देंगे. जब एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स ब्लॉक हो जाएंगी तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और वो रिलैक्सेशन में आ जाएगा. क्लियर है जी? राइट, वंडरफुल. चलिए जल्दी से 400 लाइक करिए. आपका प्यार हमारे साथ कम नहीं होना चाहिए बेटा जी. जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, बिकॉज इसी के जरिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते हैं. मेरे दाएं बाएं जो चीज आप देख पा रहे हैं वो है आपको पीडीएफ मिलने का संकेत. जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा लिंक आपके लिए होगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे. लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लस का सब्सक्रिप्शन जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, चंद घंटे रह गए हैं, इस मौके को हाथ से मत गवाइए. चार्जेस आर गोइंग टू इंक्रीज, द फी फॉर द प्लस इज गोइंग टू इंक्रीज कल से, तो आप ये सुनहरा अवसर हाथ से जाने मत दीजिए. प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप जल्द से जल्द एक्सप्लोर करिए. और अब एक्सप्लोर क्या करना, अब तो जुड़ जाइए बस आप हमारे साथ. राइट जी? और ये कुछ हमारे सिस्टर चैनल्स हैं. आप इंजीनियरिंग के लिए अगर आपके जानकार कोई लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सो उन्हें ज़रूर सजेस्ट कीजिए. और छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं 9th एंड 10th के लिए, उनकी नीम को और मजबूत करने के लिए फाउंडेशन के चैनल को आप सजेस्ट कीजिए. राइट मेरे बेटा? चलिए,
क्लास 11th का टाइम टेबल आपके सामने है. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम आपको 11th के लिए मिलते हैं एंड देन 12th के लिए फ्राइडे सैटरडेज एंड संडेज. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर. नमस्कार, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और जल्दी से वापस आ जाइएगा. आपके ऑल टाइम फेवरेट महेंद्र सर आ रहे हैं सुपर ड्यूपर लेक्चर लेकर के फिजिक्स के फंडामेंटल्स को क्रिस्टल क्लियर करने. चलिए, बाय बाय, नमस्कार.